Hello everyone, I am Dr. Anuradha Singh, Assistant Professor, Uttar Pradesh Raj Shri Tandon, Open University, Prayagraj. Today, I will discuss the course UGBY 101, which topic is Cytology and Genetics. UGBY 101, ye course hai, aur iski topic hai Cytology and Genetics. में तीन ब्लॉक्स हैं. फर्स्ट ब्लॉक में तीन यूनिट्स हैं. जो पहली दो यूनिट्स हैं वो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ये तीसरी यूनिट है सेल साइकिल, फेजेस एंड माइटोसिस. तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, सेल के बारे में पढ़ा था, सेल क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका फंक्शन क्या होता है. तो पिछले यूनिट में, फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट में हमने सेल और उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में जाना था. हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी. सेल थ्योरी में पढ़ा था, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन हो या प्लांट्स हो, सभी जो है सेल्स के बने होते हैं. सेल्स हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो सिंगल सेल का बना होगा. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कई सारे सेल्स के बने होते हैं. पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि सेल क्या होती है, सेल का स्ट्रक्चर जाना था. सेल में सबसे आउटर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल. उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें सबसे मेन ऑर्गेनेल न्यूक्लियस होता है. उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, बॉडीज होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. अब सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो पहले से सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हीं से नए सेल का निर्माण होता है. तो नया सेल कैसे बनेगा, जब पहले पुराना सेल होगा, और पुराना सेल से नए सेल बनने का एक प्रोसेस होता है. एक प्रोसेस होता है जिससे एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह सेल्स बनती जाती हैं. तो इसका एक प्रोसेस होता है जिसको सेल साइकिल कहते हैं. सेल का एक अपना जीवन चक्र होता है, सेल साइकिल होती है, जिसके द्वारा वो पूरा अपना फंक्शन डिसाइड करती है. अब सेल का, सेल इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल लीडिंग टू इट्स डिवीजन एंड रिप्लिकेशन. इट इज़ डिवाइडेड इंटू इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज. इंटरफेज कंप्राइजेस थ्री सब फेजेज, G1, S एंड G2 फेज. अब देखिए, सेल साइकिल पूरा मेन जो है दो फेज में डिवाइड होती है, इंटरफेज एंड M फेज. M फेज में माइटोटिक होगी या मियोसिस होगी. तो अभी हमको इस लेक्चर में माइटोसिस पढ़ना है. तो पहले इंटरफेज होती है. इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं. रेस्टिंग फेज कहते हैं, बट एक्चुअली दिस इज नॉट रेस्टिंग फेज. ये रेस्टिंग फेज कहलाती है, लेकिन इसमें सेल रेस्ट नहीं करती है. इसमें सेल का प्रिपरेशन होता है ताकि वो आगे जाके डिवाइड हो सके. मतलब एम फेज के लिए वो तैयार की जाती है रेस्टिंग फेज में या इंटर फेज में. अब इंटर फेज, ये समझिए कि सेल साइकिल का 95% जो है वो इंटर फेज का समय होता है. सेल साइकिल का 95% जो है वो इंटरफेज में जाता है, और 5%, ओनली 5% जो है उसमें एम फेज होती है या डिवीजन होता है. इंटरफेज में तैयारी होती है कि वो सेल को डिवाइड कैसे होना है. अब जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, 6 महीने बाद देंगे या साल भर बाद देंगे, तो पहले 6 महीने या 1 साल आप लोग प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम की, उसकी तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर एग्ज़ाम देते हैं. एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का. एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का, जो आपका रिजल्ट डिसाइड करता है. लेकिन उससे पहले क्या होता है, 6 मंथ जो है आपको उसकी, या साल भर उसकी तैयारी करनी पड़ती है. तो वो आपका इंटरफेज है, वो इंटरफेज है. और जो रिजल्ट डिसाइड करेगा वो 3 घंटे का वो होता है. उसी तरह सेल साइकिल में जो है 95% टाइम जो है वो इंटरफेज में जाता है. 95% टाइम वो इंटरफेज में जाता है, बाकी 5% टाइम में जो है ये एम फेज कंप्लीट हो जाती है. देखिए, इंटरफेज जो है 3 फेज की बनी होती है. इंटरफेज में 3 पार्ट्स होते हैं, G1,
एस फेज एंड जी टू फेज, अब इनको अलग अलग हम पढ़ते हैं। अब जीवन फेज, जीवन फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, ये जो है इंटरफेज की सबसे बड़ी फेज होती है, मतलब इसमें सबसे अधिक समय लगता है। इसमें क्या होता है, तैयारी होती है, इसमें तैयारी में क्या होगा, जैसे अब सेल्स में पाए जाते हैं राइबोसोम्स पाए जाते हैं, आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, जब सेल को डिवाइड करना है और अपने जैसी ही दूसरी सेल को बनाना है, सेम टू सेम वैसी ही सेल बनाना, माइटोसिस में सेम टू सेम वही सेल बनती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर बिना कुछ किए वो डिवाइड हो जाएगा तो उसके सारे ऑर्गेनल्स हाफ़ हो जाएंगे, वो हाफ़ हो जाएंगे फिर वो फंक्शन नहीं करेंगे, इसलिए सेल को पहले सारे ऑर्गेनल्स को डबल करना पड़ता है, सेल को ग्रो करना पड़ता है, अपने सारे ऑर्गेनल्स को जो है वो डबल करना पड़ता है, डबल करने के बाद फिर वो डिवीजन होता है, तब दो सेल्स बनती हैं जिनमें बराबर बराबर अमाउंट में ऑर्गेनल्स जाते हैं। इसमें एमआरएनए, आरएनए एंड टीआरएनए सिंथेसाइज, इसमें आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए तीन तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, तो इन सब का फॉर्मेशन जो है ये जीवन फेज में हो जाता है। फिर राइबोसोम प्रोडक्शन, राइबोसोम बनता है सेल को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम की आवश्यकता होती है, तो राइबोसोम जब दूसरी सेल बनेगी उसको भी चाहिए, तो उसके लिए इसमें राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है, राइबोसोम बनता है सेल में, होता है पहले से राइबोसोम, लेकिन चूंकि उसको डिवाइड करना है इसलिए उसको राइबोसोम को डबल करना पड़ेगा, उसको डबल करना पड़ेगा, तो राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। फिर डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, और इसी फेज में ये डिसाइड होता है कि सेल को डिवाइड करना है कि नहीं करना है, सेल डिवाइड तभी करेगी जब वो ग्रो करेगी, जब उसके सारे ऑर्गेनल्स डबल हो जाएंगे, अगर ऑर्गेनल्स उसके डबल नहीं होंगे तो सेल ग्रो, तो सेल में डिवीजन नहीं होता, इसलिए सेल को सारे अमाउंट को डबल करना, ग्रो करना ज़रूरी होता है। फिर जीवन फेज के बाद फिर आती है एस फेज, एस फेज में क्या होता है, इसको एस मानी सिंथेसिस फेज, इसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, इसमें डीएनए रिप्लिकेशन डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस, इसमें जो है डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन अभी पढ़ेंगे आप लोग, यानी कि डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज, हिस्टोन प्रोटीन बनता है क्योंकि क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन जब बनेगा तभी तो दूसरे डीएनए को भी चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज इज मोस्ट एक्टिव एंजाइम इन दिस फेज, अब एंजाइम सेल को वर्क करने के लिए एंजाइम भी चाहिए, तो डीएनए पॉलीमरेज सबसे ज़्यादा एक्टिव किस फेज में होता है, एस फेज में, जैसे सवाल आता है कि इन विच फेज डीएनए पॉलीमरेज इज मोस्ट एक्टिव, तो उसका आंसर होगा एस फेज, एस फेज में डीएनए पॉलीमरेज जो है बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि इसके एक्टिव होने से ही इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए डीएनए का अमाउंट डबल होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि डीएनए का अमाउंट डबल होता है, डीएनए की संख्या डबल नहीं होती, इसमें क्रोमोसोम नंबर, सवाल आते हैं कि क्रोमोसोम नंबर डबल या क्रोमोसोम अमाउंट डबल, तो इसमें याद रखिए क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलते हैं, क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलेंगे, सिर्फ क्रोमोसोम का अमाउंट बदलेगा, डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है ताकि दो सेल में बराबर बराबर बांटा जा सके। अब सिंथेसिस फेज के बाद आती है जी टू फेज, देखिए आरएनए बन गए, डीएनए डबल हो गया, अब जी टू फेज में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट फॉर एनर्जी, सेल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सेल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी मिलती है किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से या क्लोरोप्लास्ट से, अब दूसरी सेल जो बनेगी उसको भी एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भी ये भी डबल होता है, इसका अमाउंट भी डबल हो जाता है ताकि दोनों सेल में बराबर बराबर जा सके। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, आगे चल के स्पिंडल एपरेटस बनना है तो उसके लिए फाइबर्स बनते हैं इसमें।
फिर एक फेज आती है जीवन एस जी टू, ये इंटरफेज में आते हैं। इंटरफेज जो है तीन भाग में डिवाइड हुई, जीवन एस एंड जी टू। लेकिन एक फेज होती है जी जीरो फेज, जी जीरो फेज होती है अगर सेल को डिवाइड नहीं होना आता होता है, अगर सेल को डिवाइड नहीं होना हुआ तो वो जी जीरो फेज में चली जाएगी, यानी कि वो परमानेंट सेल बन जाएगी, फिर उसमें डिवीजन नहीं हुआ। अगर सेल के ऑर्गेनेल्स डबल नहीं होते हैं, सेल ग्रो नहीं कर पाती है और डिवीजन के लिए तैयार नहीं होती है, तो वो कहाँ चली जाएगी, वो जी जीरो फेज में चली जाएगी और फिर उसमें डिवीजन नहीं होगा, वो परमानेंट सेल कहलाती है। अब देखिए ये इंटरफेज कवर हो गया जीवन एस जी टू। अब आती है एम फेज। देखिए प्रिपरेशन तो हो गया, सेल को डिवाइड करने के लिए इंटरफेज में प्रिपरेशन हो गया, सारे ऑर्गेनेल्स डबल हो गए, सेल बड़ी हो गई। अब जो है क्या बचा, उसको डिवाइड करना है। डिवाइड इसमें डिवाइड कैसे होगा, या तो माइटोसिस होगी या मियोसिस होगी। माइटोसिस में एक सेल से डिवीजन के बाद दो सेल्स बनती हैं और मियोसिस में चार बनती हैं। मियोसिस अगले लेक्चर में बताएंगे आपको, अभी माइटोसिस देखते हैं। माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में माइटोसिस की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। एनिमल सेल में माइटोसिस की खोज फ्लेमिंग एंड वाल्टर ने की थी। माइटोसिस इज द पार्ट ऑफ सेल साइकिल, इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस जो है सोमैटिक सेल्स में पाई जाती है। मियोसिस जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स में भी पाई जाती है, लेकिन माइटोसिस जो है सोमैटिक सेल्स में पाई जाती है। और ये प्लांट्स में हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस हो सकती है और डिप्लॉयड सेल्स में होती है। कुछ प्लांट्स हैप्लॉयड ही होते हैं, जैसे एल्गी है, ईस्ट है, ये सब हैप्लॉयड सेल्स होते हैं, तो इनमें भी माइटोसिस होगी। और जो डिप्लॉयड प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म है, उनमें भी माइटोसिस पाई जाती है। द टर्म माइटोसिस वॉज गिवेन बाई फ्लेमिंग। अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, द टर्म माइटोसिस वॉज गिवेन बाई फ्लेमिंग। इन्होंने नाम दिया था माइटोसिस को, इन्होंने नाम दिया। अगर सवाल आता है द टर्म माइटोसिस वॉज गिवेन, तब ये फ्लेमिंग होगा। और माइटोसिस वॉज डिस्कवर्ड आएगा, तो इसका आंसर स्ट्रासबर्गर होगा, वो प्लांट में। और एनिमल सेल में पूछा जाएगा तो फ्लेमिंग एंड वाल्टर आएंगे। माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस। माइटोसिस से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट भी एक सिंगल सेल होती है, फिर उसमें डिवीजन होता है, माइटोसिस होती है, उसके द्वारा इम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट में जब डिवीजन होता है, तो डिवीजन होते होते दो, एक से दो सेल बनेंगी, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, एंड सो ऑन से होता जाता है। तो उससे क्या होता है, माइटोसिस से, माइटोसिस ये रिस्पॉन्सिबल है एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए। माइटोसिस इज डिवाइडेड इंटू फोर फेजेस। अब माइटोसिस भी एक प्रोसेस है, तो ये चार फेजेस में जाके पूरा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। देखिए इनका एक सीक्वेंस होता है, पहले प्रोफेज होगी, फिर मेटाफेज होगी, फिर एनाफेज होगी एंड देन टीलोफेज होगी। ये रैंडमली नहीं होता कि प्रोफेज के बाद एनाफेज हो जाए फिर टीलोफेज है, इनका एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस से पूरा चक्र चलता है। देखिए माइटोसिस कि पहली फेज जो होती है ये प्रोफेज होती है, ये इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, ये सबसे बड़ी फेज होती है। इसमें अब सेल में पढ़ा है हमने कि सेल के सबसे बाहर सेल वॉल होती है, फिर सेल में मेम्ब्रेन होती है, सेल में एक न्यूक्लियस होता है जो सारे सेल को, जो सेल को कंट्रोल करता है। सेल न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है और डीएनए में ही सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसलिए सबसे पहले अगर सेल को बनाना है, एक सेल से दो सेल बननी है, तो पहले सबसे पहले उसका ब्रेन डेवलप करना पड़ेगा। तो पहले सबसे क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। अब न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमेटिन थ्रेड सेपरेटेड एंड अंडरगो स्पायरलाइजेशन। अब न्यूक्लियस में क्रोमोजोम पाए जाते हैं,
क्रोमोजोम में डीएनए होता है। अब क्रोमोजोम जो है न्यूक्लियस में जब नॉर्मल फेज में क्या होता है, वो एक नेटवर्क की तरह पड़े रहते हैं, एक उलझे हुए धागे के समान उसी में पड़े रहते हैं। लेकिन जब माइटोसिस होनी होती है, तो प्रोफेज जब शुरू होनी होती है, तो ये थ्रेड क्या होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होके वो क्रोमोजोम का रूप ले लेते हैं, क्रोमोजोम का रूप ले लेते हैं। क्रोमेटिन लुक्स लाइक बंच ऑफ वुल नोन एज स्पाइरिन स्टेज, उसमें एक स्टेज ए ऊन के गुच्छे की तरह दिखाई देती है, इस स्टेज को स्पाइरिन स्टेज कहते हैं। सेंट्रोमियर मूव टूवर्ड्स द पोल, सेंट्रोमियर जो है जो डीएनए कम में पाया जाता है वो पोल की तरफ मूव करने लगता है। क्रोमोजोम बिकम शॉर्ट एंड थिकर, अब क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे तो शॉर्ट हो जाएंगे, फिर वो क्रोमोजोम के फॉर्म में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपीयर्स, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो ब्रेक होने लगती है, ब्रेक होके वो डिसअपीयर हो जाती है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाएगी, जो उसका अंदर का मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में फिर फैल जाएगा। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड फॉर्म वाई स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोजोम, अब जब क्रोमोजोम का रूप ले लेते हैं उनको क्रोमोनिमेटा कहते हैं, फिर इनमें स्प्लिटिंग होती है और दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बनती हैं, मतलब जो क्रोमोजोम अभी तक धागे के समान फैले हुए थे न्यूक्लियस के अंदर, वो कंडेंस होकर क्रोमोजोम का रूप ले लेते हैं और उनमें स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर पे ये जुड़े होते हैं, बाकी क्रोमोजोम में स्प्लिटिंग होती है और इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो ये हुई प्रोफेज, ये माइटोसिस की सबसे लंबी फेज होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है। ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होके डिसअपियर हो जाएगी, क्रोमोजोम पेयरिंग में आ जाते हैं इसमें। फिर सेकेंड फेज होती है मेटाफेज, मेटाफेज मेटाफेज में क्रोमोजोम जो है ये बीच में आ जाते हैं, क्रोमोजोम जो है बीच में अलाइन हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्म स्पिंडल, स्पिंडल अपरेटस का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोट्यूबुल्स आर चार्ज ऑन प्लस ऑन इक्वेटर एंड ऑन पोल, माइक्रोट्यूबुल्स में चार्ज होता है प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, ये पोल है, ये पोल है, ये पोल है, इसको इक्वेटर कहते हैं। तो कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फॉर्म टेक्स प्लेस, पेयर्ड क्रोमोजोम लाइंड अप ऑन इक्वेटर, जो पेयर्ड क्रोमोजोम है जोड़े में है ये इक्वेटर पे आके एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जॉइंट्स ऑन काइनेटिक कोर फाउंड ऑन सेंट्रोमियर, अब देखिए ये स्पिंडल बन रहा है, यहाँ से फाइबर्स निकल रहे हैं, ये अटैच है यहाँ पे, फिर इधर से निकल रहे हैं, ये अटैच है यहाँ पे, ये पोल है, पोल से फाइबर्स निकलते हैं और यहाँ पे इसके क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर पाया जाता है, जानते हैं आप लोग क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर पाया जाता है, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ काइनेटोकोर पाए जाते हैं, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ एक प्लेट जैसी रचना काइनेटोकोर होती है जिसपे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं। एनाफेज, इसकी तीसरी फेज होती है एनाफेज, तीनों पर आके अटैच हो गए, फिर जब स्पिंडल फाइबर इस पर जो क्रोमोजोम अरेंज होते हैं दोनों तरफ काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, फिर उनमें खिंचाव होता है, एक ऊपर की तरफ खींचता है दूसरे पोल की तरफ और दूसरा स्पिंडल फाइबर जो है नीचे की तरफ खींचता है, तो ये क्रोमोजोम जो है बीच से ब्रेक हो जाते हैं, उनका सेंट्रोमियर टूट जाता है, सेंट्रोमियर टूट जाएगा तो आधे क्रोमोजोम ऊपर चले जाते हैं और आधे क्रोमोजोम जो है नीचे आ जाते हैं। टीलोफेज में ये स्मॉलेस्ट फेज, सबसे छोटी फेज होती है, इसमें सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, आधे क्रोमोजोम ऊपर चले गए आधे क्रोमोजोम नीचे आ गए, तो एक सेल का खांचा तैयार हो जाता है। अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्रोमोजोम अनकॉइल्ड एंड क्रोमोजोम एंड फॉर्म्स क्रोमेटिन, अब क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में डिसअपियर हो गई थी वो फिर से बनने लगती है, फिर से बनने लगती है। टीलोफेज जो है ये प्रोफेज की एक तरह से अपोजिट होती है, प्रोफेज की अपोजिट, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, टीलोफेज में है ये सब जो है
वापस आ जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगी, न्यूक्लियस फिर से आ जाएगा और क्रोमोजोम जो है फिर से जो पेयर्ड रहते हैं वो फिर से क्रोमैटिन के रूप में सेल में फैल जाते हैं। अब देखिए डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, क्रोमोजोम का न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब एक सेल इधर हो गई, एक सेल नीचे बन गई। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर एंड ग्रोज आउटवर्ड टू पेरिफेरी। अभी तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ लेकिन उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है, तो अभी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती हुई है। न्यूक्लियस के डिवाइड होने को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो ब्रेन तो बन गया, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, तो ब्रेन तो डिवाइड हो गया, दो ब्रेन बन गए, लेकिन अभी जब सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तब जाके सेल बनेगा, यानी कि साइटोकाइन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस पूरी हो गई, अब साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस क्या होती है, अब इसका साइटोप्लाज्म भी है डिवाइड करेगा। देखिए प्लांट सेल में ये बीच में प्लेट बनती है, पहले सेल्स के बीच में एक प्लेट बनती है जो धीरे धीरे साइड की तरफ ग्रो करती है और फिर ये पूरा यहाँ तक पहुँच के सेल को दो भाग में डिवाइड कर देती है, सेल को दो भाग में डिवाइड करती है। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में ये पीछे की तरफ से बाहर की तरफ से डिवीजन शुरू होता है, सेल प्लेट बननी शुरू होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल रिजिड होती है इसलिए उसमें बाहर से डिवीजन नहीं हो सकता, उसके अंदर साइटोप्लाज्म में प्लेट बनती है बीच में जो बाद में मिडिल लैमिला बनती है और उसके बाद ये सेल डिवाइड होके दो सेल में बन जाती है। अब साइटोकाइनेसिस में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन पूरा हो जाता है, जब साइटोप्लाज्म ही डिवाइड हो जाएगा तब दो सेल्स बन जाएंगी। इंटरफेज हुई, सेल साइकिल हुई, पूरा जीवन चक्र सेल के बनने से लेके उसके डिवीजन तक के समय को पूरा सेल साइकिल कहते हैं। अब इंटरफेज एंड एम फेज, इंटरफेज में तैयारी हुई डिवीजन की, उसके बाद माइटोसिस में हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है शुरू हो जाता है, लेकिन फिर उसका जीवन चक्र चलेगा लेकिन हर स्टेप पे एक चेक पॉइंट्स होते हैं। जब जीवन पे एक जीवन चेक पॉइंट डिसाइड वेदर और नॉट सेल विल डिवाइड। एक जीवन इंटरफेज की जब जीवन फेज कंप्लीट होती है तो वहाँ पे एक कंप्लीट होने के बाद सेल चेक करती है कि वो सेल डिवीजन के लिए तैयार है कि नहीं, यानी कि जीवन में जो काम होना था वो पूरा हुआ कि नहीं। इन केस अगर वो नहीं होता है तो वो सेल आगे के लिए डिवाइड होने के लिए आगे वाले फेज में नहीं बढ़ेगी और वो जीरो फेज में चली जाती है, यानी कि फिर जब उसमें सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी फिर वो आगे वाले प्रोसेस में बढ़ती है। उसके बाद फिर एक चेक पॉइंट होता है एस चेक पॉइंट, यानी सिंथेसिस फेज जो होती है उसमें भी एक चेक पॉइंट होता है, डिटरमाइन इफ डीएनए हैज बीन प्रॉपरली रेप्लीकेट। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लीकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो वहाँ पे उस चेक पॉइंट में ये चेक किया जाता है कि रेप्लिकेशन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। अगर प्रॉपरली हुआ है, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है, तब तो वो सेल आगे की तरफ बढ़ेगी, अन्यथा वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। फिर एक चेक पॉइंट एम फेज में आता है, एम चेक पॉइंट इंश्योर्स क्रोमोजोम्स आर अलाइंड एट माइटोटिक फेज। एम चेक पॉइंट इसमें ये चेक किया जाता है कि सभी क्रोमोजोम जो है इक्वेटर पे ठीक से लगे हैं कि नहीं, क्योंकि वहीं से उनमें क्रोमोजोम में स्प्लिटिंग होती है और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब क्रोमोजोम जो है सबसे क्लियरली मेटाफेज में ही देखे जा सकते हैं। ये सवाल आता है कि इन विच फेज यू कैन सी क्लियरली क्रोमोजोम, तो होगी मेटाफेज। मेटाफेज में क्योंकि क्रोमोजोम इक्वेटर पे आ जाते हैं तो माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाएगा तो सिर्फ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तीनों फेज में से सिर्फ मेटाफेज एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्रोमोजोम को क्लियरली देखा जा सकता है। कैंसरस सेल्स, देखिए डिवीजन सेल में डिवीजन होना जरूरी होता है क्योंकि सेल डिवाइड होके नई सेल बनाएगी,
उसी से ग्रोथ होती है और उसी से बॉडी की रिपेयर होती है। अगर कोई सेल डैमेज हो जाती है, वहाँ नई सेल बनती है, फिर वो सेल रिपेयर होती है या ग्रोथ होगी। दो से चार, चार से आठ सेल बनेंगी, वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, तो इसलिए सेल डिवीज़न जो है वो ज़रूरी होता है। लेकिन कभी कभी जब ये ज़रूरत से अधिक हो जाता है, आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो ये हानिकारक भी हो जाता है, वो कैंसरस सेल्स बन जाती हैं। जैसे कैंसर इज अ रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ सेल्स दैट हैव लॉस्ट एबिलिटी टू रेगुलेट सेल साइकिल। देखिए, सेल डिवीजन पढ़ा हम लोगों ने, सेल साइकिल पूरी पढ़ी, तो सेल साइकिल है, वो प्रॉपरली होती है, एक फेज के बाद दूसरी फेज, दूसरी फेज के बाद तीसरी फेज, वो उसका समय निश्चित होता है, उसकी साइकिल निश्चित होता है। लेकिन जब ये अनकंट्रोल हो जाती है, सेल जो है, सेल पे डिवीज़न उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, वो अपने हिसाब से कंट्रोल होने लगती है, अत्यधिक डिवीज़न होने लगता है उसमें, तो वो वहाँ पे एक ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर जो कि फिर हानिकारक होता है। सेल रिप्रोड्यूस मोर रैपिडली देन नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल से अधिक तेज़ी से ये ग्रो करता है। मासेस फॉर्म बाई अनकंट्रोल्ड डिवीज़न इज कॉल्ड ट्यूमर, ये ट्यूमर बाद में जो है ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से होता है। कंट्रोल होगा तो वो सेल साइकिल परफेक्ट होगी, उससे सेल ग्रो करेगी, रिपेयर होगी। लेकिन जब ये अनकंट्रोल हो जाता है तो ये ट्यूमर का रूप ले लेता है, जो कि अच्छा नहीं होता। देखिए, अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने पूरी सेल साइकिल पढ़ी है। सेल साइकिल इज अ रिपीटिंग सीरीज ऑफ इवेंट्स। सेल साइकिल, सेल ग्रो करती है, फिर सेल डिवाइड करती है, फिर सेल ग्रो करेगी, फिर डिवाइड करेगी, ये जो है चक्र चलता रहता है। सेल में, सेल साइकिल में दो फेजेस पढ़ी आपने, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं, जिसमें एम फेज की तैयारी होती है, मतलब एम फेज डिवीजन फेज होता है, उसमें माइटोसिस होगी या मियोसिस होगी, अभी माइटोसिस हमने पढ़ा है, तो उसमें माइटोसिस होती है। और इंटरफेज में माइटोसिस होने के लिए सेल में प्रिपरेशन होती है, उसमें क्या क्या ज़रूरत चाहिए वो होती है। अब इंटरफेज में हमने तीन फेजेस पढ़ी थी, जी1 फेज, एस फेज एंड जी2 फेज। तो जी1 फेज, जिसमें सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स डबल होते हैं, एस फेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए का अमाउंट डबल होता है। फिर जी2 फेज होती है, इसमें भी सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स डबल होते हैं, बचे हुए जैसे माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये सब जी2 फेज में इसका डुप्लीकेशन होता है। आरएनए, राइबोसोम्स वगैरह, ये जी1 फेज में बनते हैं। तो ये सेल, ये इंटरफेज पूरा कहलाता है। तो जी1, एस, जी2 मिला के इंटरफेज होगा, इसमें सेल जो है तैयार हो जाती है डिवीज़न के लिए, अपने सारे ऑर्गेनेल्स को डबल कर लेती है, अपना अमाउंट डबल कर लेती है, न्यूक्लियस डबल हो जाता है, फिर ये एम फेज में प्रवेश करती है। एम फेज भी चार फेज की बनी होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में डिवीज़न स्टार्ट होता है और टीलोफेज में जाके डिवीज़न समाप्त हो जाता है। उसके बाद जब कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवाइड हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस पूरी हो जाती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और प्रॉपरली दो सेल्स तैयार हो जाती हैं। इस तरह से मैम ने सेल साइकिल जो है ये पूरी पढ़ी है अपने। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।